एक और वीडियो आया है, उसने कलहारी में न्यूक्लियर्स के एक और पार्ट को पा लिया है और उसने वार्निंग दिया है, अगर हमने उसे साइंटिस्ट को नहीं सौंपा तो वो बहुत बड़ी धमाके करेगा। तो फिर अब क्या करना है सर? हमें और पावर चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से मिलना होगा। एक बुरी खबर है सर, उसने एक और वीडियो जारी कर दी है, उसे अब साइंटिस्ट चाहिए। तो तुम लोग क्या झगमगा रहे हो? वो एक अकेला आदमी, तुम इतनी बड़ी पुलिस फोर्स पर भारी कैसे हो सकता है? यकीन मानिए, एक रक्षक से अच्छा भक्षक कोई नहीं बन सकता। पर कोई तो सबूत छोड़े होगा उसने भी, वीडियो में कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम उस तक पहुंच सके। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। फिलहाल तो हम उसके बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसका नाम जिम है और एक जमाने में वो हमारे स्पेशल टास्क फोर्स का सबसे काबिल ऑफिसर था सर। तब तो समस्या बहुत बड़ी है, और अगर उसे रोकना है तो उसी के ब्रांच वालों की जरूरत होगी, हमें बुलाओ उन्हें। तो अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ऐसा कौन है जिम जिसके लिए हिल गया पूरा सिस्टम और निकल गया सब कदम। तो चलो शुरू करते हैं उसके भेजे हुए इस वीडियो से। जय हिंद। वैसे इंतजार के लिए खेद है, पर क्या करें, आपके ही दिल में छेद है। बात शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें, मैं जो बोलूंगा एक बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना क्योंकि बात रिपीट करने का मुझे कोई शौक नहीं। अब जब वीडियो मेरी है तो शर्तें भी मेरी होंगी। आपके पास टाइम बहुत सारा, लेकिन आज शाम तक साइंटिस्ट मुझे चाहिए, वरना। भाई मुझे लगता है मिसाइल में कुछ गड़बड़ी है, चेक करने के लिए एक सैंपल बरमूडा में गिरा दे क्या? अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यह धमकी है। हाँ है, यही मेरा स्टाइल है, सामने रखा मिसाइल है, साइंटिस्ट मुझे दो, वरना सी यू सून। और जिम सिर्फ बातें नहीं करता, उड़ा कर दिखाएगा, वो एक सोल्जर है, जंग के लिए जरूर आएगा। और कितना समय लगेगा उन्हें आने में? जल्दी बुलाओ उन लोगों को। हम आ गए सर, विनो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। ये सब क्या चल रहा है ऑफिसर? तुम्हारे डिपार्टमेंट का एक आदमी अकेला पूरे सिस्टम को चलस दे रहा है। विनो सर, पर वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं था, एक ग्राउंड सोल्जर भी था, इसलिए इतना खतरनाक है। मुझे तुम्हारी बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे वो आदमी सलाखों के पीछे चाहिए बस। आई नो सर, पर आप जिम के बारे में एक चीज नहीं जानते, अगर उसने कोई चीज ठान ली तो वो उसे पाके ही रहता है, अगर उसने बोला है वो आएगा तो वो आएगा। ये कौन है? ये मेहता है सर, रिटायर्ड है, पर यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे सुना तो मैंने भी बहुत है इसके बारे में। वैसे जिम भी इन्हीं के अंडर काम करता था सर, इसीलिए तो आया हूँ एमके, क्योंकि जानता हूँ इस जंग के लिए आप लोग को मेरी जरूरत जरूर होगी। पर तुम तो एक रिटायर्ड ऑफिसर हो ना मेहता, तुम कैसे मदद कर सकते हो हमारी? ठीक कह रहे हैं सर, मैं आपकी मदद डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, पर आपको एक आदमी दे सकता हूँ जो ये काम आसानी से कर सकता है। आदमी? पर कौन? उसके पास नाम था नहीं तो खुद रख लिया, पठान। और सच कहूँ तो एक वही है सर जो इस वक्त हमारी मदद कर सकता है। ये क्या बकवास कर रहे हो मेहता सर आप? वो तो खुद सस्पेंड है, वो क्या मदद करेगा हमारी? आप भरोसा तो कीजिए सर, एक वही है जो सही मदद करेगा हमारी। और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास? ठीक है, पर इस वक्त है कहाँ वो? सॉरी सर, पर एक सिपाही का मैं आपको क्या पता बताऊँ, जहाँ दुश्मन बस मैं उसे वही पाऊँ। भाई ये तो बहुत बड़ा जानवर है साला, अकेला हमारे बहुत लोगों को मार दिया, बड़े मुश्किल से पकड़ा है भाई से। वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, साला कलहारी की पुलिस डरती हमसे और ये अकेला घुस आया, है कौन बे तू? नाम था नहीं, लोगों ने दे दिया, सर पे हाथ रख के एक माँ ने कह दिया। ये सब क्या बोल रहा है बे तू? बस तेरा नाम क्या है इतना बता मुझे। नाम सुन के भी तू कौन सा मुझे जान जाएगा, अगर सच भी कहूँगा तो कौन सा तू मान जाएगा? मौत सामने देख के पागल हो गया क्या बे? कहते हैं सिपाही होते हैं देश की आम बानसान, और मैं पागल नहीं, मैं हूँ पठान। पठान? वो इस वक्त कलहारी में है? हाँ सर, क्योंकि उसके लिए सबसे बढ़ के है उसकी ड्यूटी, देश के सामने नहीं देखता वो कोई ब्यूटी। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 360 के बारे में, जिसके ब्रांड एंबेसडर काजल अग्रवाल, नौजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी रौतेला है। और लोटस 365 सबसे पुराने गेमिंग कंपनी में से एक है, 2015 से भारत में एक्टिवेट भी है, आपको यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि गेम के अपडेट मिलते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लाइव गेम खेल सकते हैं और अच्छे खासे रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान विनिंग टीम की प्रेडिक्शन करके भी अच्छे खासे पैसे जीत सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको सबसे फास्टेस्ट विड्रॉल भी देखने को मिलता है, आप इंस्टेंट अपने विनिंग अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हो, यहाँ पर आप लाइव मैचेस भी देख सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको बेस्ट ऑफर और प्रमोशन भी देखने को मिलते हैं, साथ ही आप यहाँ पर 7127 कस्टमर सपोर्ट भी पा सकते हैं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले आईफोन 13, रॉयल इनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवे के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। बस कमेंट पिन पे जाओ, क्लिक करो और खेलना शुरू करो। पर वो तो इस वक्त सस्पेंड है ना, फिर किसी मिशन पे कैसे जा सकता है? वो ओनली फाइल्स पे सस्पेंड है सर, पर है ऑन ड्यूटी।
तो फिर ठीक है, मैं उसे ऑफिशियली अपॉइंट कर रहा हूँ इस मिशन के लिए। उसे बुलाओ, हमें जरूरत है उसकी। मैं आया अपनी मर्जी से हूँ, अपनी मर्जी से ही चला जाऊंगा। पुलिस वाले सोचते हैं मैं तेरे लिए आया हूँ, पर सॉरी तेरे को लेकर नहीं जाऊंगा। वैसे तो खूब सुना है तेरे बारे में, पर यहाँ आके तूने गलती कर दी पठान, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ तुझे मौत मिलेगी। मौत? इंतजार तो उसी का है, न जाने कब आएगा। चल तू बता, तू कितना देर टिक पाएगा। ये क्या था? कैसे किया तूने? कुछ कमाल तो पठान भी करता है, जो टकराता है बस वही मरता है। उम्मीद है अब तक उसका काम हो गया होगा। सर आप कल की तैयारी कीजिए, पठान आ जाएगा। तैयारी हो जाएगा, तुम कांटेक्ट करो उससे, हम भी तो देखे कितना दम है तुम्हारे पठान में। अब देखो आग थोड़ी खोजते हैं शमशान में, कह तो बहुत कुछ देते पर लफ्ज कम पड़ जाते पठान की शान में। सोल्जर तुरंत पठान से कांटेक्ट करो मेरा। ओके सर, पठान लाइन में है। क्या बात है सर, आज पठान का याद आ रहा है, लगता है कोई आपको बहुत सता रहा है। हाँ पठान, तुम्हें जिम तो याद होगा, तुम्हारे बैच में नहीं था पर तुम्हारे तरह ही था। जिम, ये वही सोल्जर है ना सर, जो पॉर्गेट्री के एक मिशन में मारा गया था और गवर्नमेंट ने उसकी बॉडी देखे बिना ही उसे मरा हुआ घोषित किया था। हाँ, पर वो जिंदा है और सिर्फ बरमूडा की तबाही चाहता है, उसे रोकना जरूरी है, इसलिए तुम्हें आना होगा। ओके सर, रेडी, सोल्जर विल बी कमिंग सून। पर मेरा क्या होगा, मुझे जाने दो, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। हाँ वो तो है, पर सरेंडर तो वो करता है ना जो जिंदा होता है, मरे हुए लोग कब से सरेंडर करने लगे। क्या मतलब, पुलिस वाले तो मुझे जिंदा पकड़ने चाहते हैं ना। हाँ चाहते तो हैं, पर मैं ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तेरे लिए दोबारा नहीं आना चाहता। इस लड़ाई का अंजाम सबसे अलग होगा, या तो जिम तबाह करेगा पूरे बरमूडा को, या तो जिम का अंत पठान के हाथों होगा। मेहता तुम रिटायर हो, लेकिन फिर भी इस मिशन के लिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि साइंटिस्ट का महत्व बहुत ज्यादा है हमारे लिए। और सर मेरे लिए मेरी जिंदगी बहुत जरूरी है, मैं देश के लिए मर जाऊंगा चलेगा, पर उस जिम के हाथों मत दौड़ना मुझे। आई अंडरस्टैंड सर, पहरा बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, और आप फिक्र मत कीजिए, पठान के होते खतरा कम है। हाँ पर एक बात का ध्यान रखना मेहता, जिम भी एक सोल्जर है और उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। सोल्जर्स की यही बात तो खास है, हथेली में जान और देश दिल के पास है। लीजिए सर, ये है स्पेशल टास्क का कमांडर पठान। जय हिंद सर, पठान रिपोर्टिंग। नाम बहुत सुना है पठान तुम्हारा, दर्शन उससे भी बड़े चाहते हैं। आई विल डू माई बेस्ट सर, आप ऑर्डर दीजिए। तुम्हारे ही ब्रांच का एक ऑफिसर है जिसका नाम जिम बताया जा रहा है, साइंटिस्ट के पीछे पड़ा है क्योंकि उसे न्यूक्लियर तैयार करना है और हमें साइंटिस्ट को किसी भी हाल में महफूज रखना है। मामले को देखते हुए हमने सेफ हाउस को रेडी कर दिया सर, अगर अभी निकले तो अगले एक घंटे में पहुंच जाएंगे और वहां जिम को पकड़ना भी आसान हो सकता है। तो फिर ठीक है, अभी निकलते हैं, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो होना है आज ही होना है। ओके सर, ऑफिसर्स अपनी सीट ले लो। चेकिंग चेकिंग, अल्फा चेकिंग, क्या ऑर्डर है सर? ओके, जब तक ये काफिला चल रहा है पूरे रास्ते पे रोक लगा दो, और जो भी गाड़ियां नहीं आ रही है सबकी चेकिंग लो। अगले एक घंटे तक कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के बरमूडा के अंदर नहीं आनी चाहिए। तुम रोक कितना भी लगा लो, वो आएगा, उसने वादा किया है तबाही तो मचाएगा। ये तो बहुत टफ है ऑफिसर, पोजीशन ले लो, मैं मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ। सर इस एरिया में उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे बचा लो पठान, मुझे नहीं लगता वो मुझे छोड़ेगा, वो आ जाएगा। आ जाएगा नहीं साइंटिस्ट, आप बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। चलिए आपको सरहद के उस पार ले जाएंगे। रुक जाओ जिम। ओहो, मेहमान नवाजी के लिए पठान को लाए हो, पर अफसोस गलत जगह गलत खिलाड़ी खिलाए हो। इतनी जल्दबाजी? हाँ क्योंकि मेरा पिक्चर तेरे पिक्चर से बहुत अलग है, जल्दबाजी करनी पड़ती है जब इरादा गलत है। चल साइंटिस्ट। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देख साइंटिस्ट, ये सब मैंने तेरे लिए किया है, तेरा जाना तो तय है, या तो तू जिंदा जाएगा या मरा हुआ, इसलिए सीधे से पीछे आ, वरना मरने के लिए तैयार हो जा।
ये सब क्या था पठान? वो अकेला आया और सब कुछ तबाह कर गया। इतनी सारी पुलिस फोर्स, इतनी तैयारी, सब धरी की धरी रह गई। तुम्हें अंदाजा भी है हमने क्या खोया है? मुझे माफ कर दीजिए सर, इन सब का अंदाजा नहीं था। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है पठान, कुछ भी करके उस साइंटिस्ट को वापस लेकर आओ, वरना अपनी नौकरी भूल जाओ, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई मैं कभी नहीं कर सकूंगा। परिस्थितियाँ कहाँ किसी के वश में होती है, जो होना होता है सो तो होती है। क्या अपडेट है सर? तुम तो जानते हो पठान, बहुत बुरा हाल है। मिनिस्टर ने पूरी तुम्हारी गलती मान ली है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक मौका दिया है। एक मौका भी काफी है सर, क्योंकि उस जिम ने पूरे करियर पे जो क्रीम लगाया है ना, उससे पूरा ड्रीम की ऐसी की तैसी हो गई है। मुझे पता है ये सब होने के बाद तुम्हें कैसा लगा होगा पठान, लेकिन ये मौका बड़े मुश्किल से मिला है। तुम्हें पॉर्गेट्री जाकर साइंटिस्ट को वापस लाना होगा। और ध्यान रहे पठान, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। यहाँ तुम अंडर कवर एजेंट हो, जो करना है तुम्हें सोच समझ के करना, क्योंकि अगर यहाँ की गवर्नमेंट में पकड़े गए तो खेल खत्म। ऐसे कैसे खत्म सर, पठान को तो खेलने का मौका ही नहीं मिला। पठान के लिए खेल अब शुरू हुआ है। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना पठान, अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन आगे ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ सर, और हमने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट किए हैं। इस वक्त जिम पॉर्गेट्री में है, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए कुछ लोगों तक पहुँचना होगा जिस पर हमें शक है। शक? पर क्यों? क्योंकि रिसेंटली पॉर्गेट्री आने के बाद जिम ने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो एक ही आईडी से किए हैं, और वो आईडी किसी जोया नाम की लड़की का है। जोया, दिस इज द बेटर क्लू फॉर यू पठान। पर सर वो एक लड़की है, कहीं मैं भटक गया तो तुम्हारा करियर खत्म। अब या तो तुम करियर चुनो या लड़की। अरे आप तो सीरियस हो गए सर, पठान एक सोल्जर है और सोल्जर के लिए देश से बढ़ के कुछ नहीं। शुरू करें? ओके, हमारी मुलाकात यहीं तक थी, अब सिर्फ कॉल पे बात होगी, प्राइवेट नंबर यूज करना। ओके टीचर, गुड बाय, सी यू अगेन। लाइफ में ना बस एक यही काम बाकी रह गया था, एक लड़की की जासूसी। सर मकर पठान कहाँ है तेरी शान? ओ आ गई। यार कितना प्यारा मौसम हुआ है आज तो, शॉपिंग पे चलते हो? शॉपिंग? ये किधर से डर रही है, कहाँ फंस गया यार? हाँ अगर कॉफी से स्टार्ट करूँगी तो ज्यादा सही रहेगा। ये सब क्या सुनना पड़ रहा है, अब ऐसा क्यों लग रहा है कि किस्मत ही मजे ले रही है मेरी? बाप रे, लगता है ज्यादा आइसक्रीम खा ली, पेट खराब हो रहा है। किसी ने सुना तो नहीं, डॉक्टर के पास चलते हो। बाप रे, ये लड़की है कि क्या है यार, कहाँ फंस गया माँ कसम। अरे तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। एक मिनट, इस टकले को कैसे पता कि वो आ रही है, और वैसे भी उस लिस्ट में दूसरा नाम इसी चपरगंजू का था। अरे तो मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था ना, मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया यार, मैंने बाहर का कुछ खा लिया। क्या? ओह तो तुम बाहर का खाती ही क्यों हो जब तुम्हें सूट नहीं करता, तुम्हारा ना आदत ही खराब है। हाँ तो ज्ञान मत दीजिए डॉक्टर साहब, दवाई दीजिए। दवाई? हाँ ये लो, ये रखो दवाई। ये सब क्या चल रहा है, आवाज तो क्लियर नहीं है, पर इन लोग करवा दिया मेरा टाइम पास। उस लड़की का पेट खराब है और इस डॉक्टर का दिमाग। ये क्या, कहाँ गए ये दोनों? मुझे खोज रहे हो क्या? देखो यार पहले ना तुम क्लियर कर लो, तुम्हें दोनों चाहिए या फिर सिर्फ मैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? ज्यादा बनो नहीं, मुझे पता है तुम आज सुबह से मेरा पीछा कर रहे हो, मेरे सामने वाले घर पे खड़े होकर मुझे ताड़ रहे थे ना। बस करो मेरी माँ, मैं तो बस तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि आई लाइक यू। क्या बात कर रहे हो, क्या सच में मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगी? हाँ तुम भी, और जो तुमने पेड़ के पीछे किया वो भी। छी, कैसी बातें करते हो तुम? बातें तो मैं ऐसे ही करता हूँ, पर लगता है अब अच्छी बातें करना भी सीखना पड़ेगा। वैसे रुक जा पठान, नहीं तो लड़की के चक्कर में मरेगा। क्या अपडेट है पठान? सच कहूँ तो लड़की का एंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर, वो मुझे बिल्कुल सिंपल लड़की लग रही है। पर हमारे सोर्सेस को उसके ऊपर पूरा डाउट है, चेकिंग तो करनी होगी, नजदीकियाँ बढ़ाओ, जितना हो सके उतना पता लगाओ। ठीक है सर, कॉल यू लेटर। हद है यार, ना जाने इन सोर्सेस के पास न्यूज कहाँ से आता है, इनको तो साला एक लड़की और एजेंट में फर्क भी पता नहीं चल पाता है, ना जाने इनके बीच काम कैसे करूंगा। ये क्या, ये यहाँ क्या कर रही है? अरे वो हीरो, सुनो ना, मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे क्या? मदद? कैसी मदद? देखो सिंपल है, एक आदमी ने ना मुझसे लोन लिया है, लेकिन वो मुझसे पैसे वापस कर ही नहीं रहा, तो तुम मेरे साथ चलो, वो तुम्हारी बॉडी देख के डर जाएगा, और अगर तुम मेरे साथ चलोगे ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे आई लव यू का रिप्लाई करूंगी। ऐसा है तो ठीक है, चलो अभी तुम्हारे पैसे वापस दिलवाता हूँ। अरे वाह, तुम तो बहादुर निकले, मुझे लगा था डर जाओगे। लो
पहुँच गए। तुम यही वेट करो, मैं उसे बाहर बुला के लाती हूँ, फिर बताते हैं उसे। वो आ गया जिम। बहुत बढ़िया, मैं जानता था तू ले आएगी इसे। ओह लड़की का चक्कर। तू जानता है पठान, मैं चाहता तो उस दिन मार सकता था तुझे, लेकिन मैंने तुझे जिंदा छोड़ा ताकि तुझसे दोबारा मुलाकात हो सके। अच्छा, ऐसी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी जो फिर मिलना जरूरी था? क्योंकि तू चीज क्या है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इसलिए चाहता हूँ कि तू मेरा साथ दे। तेरा साथ? तू चाहे तो गोली मार दे, पर ये साथ का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। चस्का देश प्रेमी का, मुझ में भी तेरे जैसे ही था पठान, पर जब अपने आँखों के सामने अपनों को मरते देखना पड़ता है ना, तो ये कोई काम नहीं आते। तब तो तेरा देश प्रेमी बहुत फीका था जिम, क्योंकि देश प्रेम को काम नहीं लाते, देश के काम आते हैं। तो मतलब तू मेरा साथ नहीं देगा? देख ले जोया, समझा सकती है तो समझा दे, वरना सर काट देना। देश प्रेम है साला, कोई काम का नहीं। उसका तो अंदाजा था, पर तुमने जो किया दिल तोड़ दिया। बहुत नामी एजेंट हो तुम, और इतना भी नहीं जानते कि काम के वक्त दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, दिल का नहीं। तुमने नहीं, जासूसी मैंने की है तुम्हारी। हाँ शायद बात तो सही है तुम्हारी, पर अब भी मैं जो तुम्हारी आँखों में देख रहा हूँ, लगता नहीं जो हो रहा है वो सच है। दिमाग घर पे छोड़ के आए हो क्या? यहाँ मौजूद हर आदमी बेस्ट शूटर है, एक इशारे में सब के सब तुम्हारे बेजे से गोली बाहर निकालेंगे। हो सकता है, पर ऐसा करके वो क्या पा लेंगे? तुम बताओ तुमको क्या मिलने वाला है? एक दिल तुम्हारे लिए खुला था और अब वो भी सिलने वाला है। अगर ऐसा है तो ठीक है, समझ लो कि मुझे मिली तुमसे एक सीख है, भागो। अरे ये क्या कर दिया इसने, मार डालो इन दोनों को। यार मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम्हें इतना जल्दबाजी किस बात का था। जल्दबाजी नहीं, मुझे इंतजार तुम्हारे साथ का था। क्या मतलब? मैं बस देखना चाहती थी ये भीड़ को देख के तुम डरोगे तो नहीं, जो तुम्हारे बारे में सुना वो सही है या नहीं, जो मेरे साथ खड़ा है वही पठान है या नहीं।